आपका नाम क्या है? अशोक कुमार सुथार सर। अच्छा, क्या करते हो आप अशोक जी? मैं बस बोरी का सर काम करता हूँ, बस बसों की बोरी बनाया था सर। ओके, मतलब अभी मजदूरी जैसा काम है। हाँ, मजदूरी का सर। ठीक बात है, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गांव समीचा तहसील कुमल जिला रासमुंदा। ओके, और काम कहाँ करते हो आप? मैं जोधपुर से। और पढ़े लिखे कितने हो आप? 10वीं क्लास। 10वीं क्लास। अभी क्या शिकायत है आपको अशोक जी? सर मैं क्या कहा, अपने ब्रांच है अपने जोधपुर में हाउसिंग बोर्ड में ICICI बैंक की सर। हाँ, वहाँ पे गया सर कोई FD कराने के लिए। ठीक है, कितने रुपए लेके गए थे आप FD के लिए? 7 लाख रुपए सर। ओके, ये आपने जमा किए सारे पैसे? हाँ, साथ ये जमा किए सर। ओके, FD कराने के लिए गया था। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कोई अच्छा प्लांट आया जो प्लांट ले लो। अच्छा, उसमें आपको डबल मिलेंगे। अच्छा, कितने टाइम बाद? ठीक है, पैसा वो बोला 12 साल बाद में आपको मिल जाएंगे। और जमा कितनी बार कराना है? और जमा एक बार बोला, 1 टाइम ही कराना है। ओके, ठीक है, आगे आपकी इच्छा जितना जमा करोगे उसके डबल ट्रिपल मिलेंगे, सब मेरे को झांसा दे दिया फाल। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने पॉलिसी ले ली। हाँ, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे उसमें उन्होंने जमा करा दिया। हाँ, ठीक बात है। 6 लाख की मेरे लाख रुपए की FD कर दी उन्होंने। अच्छा, एक ही दिन में आप 7 लाख रुपए इकट्ठे लेकर गए हो, 6 लाख रुपए में से 1-1 लाख रुपए की जो FDs 6 करी हैं, एक FD नहीं बनाई 6 लाख रुपए की, 1-1 लाख की 6 FDs करी, बहुत बढ़िया, और 1 लाख रुपए इसमें डाल दिया। 1 लाख रुपए इसमें डाल दिया। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है सर, उन्होंने मेरे को झांसा दिया कि डबल मिल जाएंगे ट्रिपल मिल जाएंगे। हाँ, ठीक बात है। फिर मेरे पास डॉक्यूमेंट आए सर वो पॉलिसी के। हाँ, फिर मैंने देखा इसमें कहीं ऐसा कुछ विवरण नहीं था सर। ओके, फिर आपने क्या किया? फिर मैं वापस लेकर गया इनको बैंक में। हाँ, कागज को सारे डॉक्यूमेंट को लेकर। ये डॉक्यूमेंट आने के कितने दिन बाद गए बैंक में आप? 15 मेरे पास मैंने कराया 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में आए थे। हाँ, फिर आप जब आए थे उसके कितने दिन बाद गए थे? उसमें 2 दिन बाद में मैं चले गए थे। चले गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर क्या मेरे को बताया गया वापिस, उन्होंने एजेंट को बुला के बोला उनको वापिस समझाओ। फिर मेरे को समझा ऐसे वापिस कोई उनके हिसाब से कैलकुलेशन करा के मेरे को वापिस बता दिए। ठीक बात है, ठीक है, इतने आपको 14 मिलेंगे 15 मिलेंगे ऐसा दे दिया। ठीक है, करते हुए बताया था कि आपको हर साल जमा करना पड़ेगा, नहीं जमा करोगे तो पुराना पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ बताया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया सर। करते वक्त क्या बोला था कि एक बार जमा करो? हाँ, एक बार जमा करो सर। ओके, ठीक बात है। तो आप, इन्होंने आपको फोन पे भी बात कराया होगा इन्होंने आपसे? हाँ, फोन पे कराया सर, मेरा फोन लेकर किसी से बात कराई थी। आपके फोन से आपने डायल किया था कि उन्होंने डायल किया? उन्होंने डायल किया सर, और हाथों हाथ आपको फोन दिया। हाँ, फिर क्या बात हुई? फिर उन्होंने बोला जो भी पूछा यस यस कह देना, हाँ हाँ कर देना। ओके, ओके, फिर जो भी क्या बता, वो कभी अंग्रेजी में बोले कभी हिंदी में बोले, मेरे को इतना मालूम चला नहीं। हाँ हाँ करते रहे। ओके, ओके, अगर आपको बताते करते वक्त कि आप अगर इसमें 7 साल तक या 6 साल तक लगातार जमा नहीं करोगे, 7 साल तक जमा नहीं करोगे तो पुराना पैसे में आपको नुकसान होगा, कोई ये सब बताते तो आप करते ही? नहीं सर, कभी नहीं करता सर। अच्छा, आप बैंक में FD कराने गए थे, ये बात पक्की? हाँ, बैंक में गए सर। FD के हिसाब से गए थे? हाँ, FD के हिसाब से। अभी आप क्या चाहते हो कंपनी से? अभी सर ये मैं तो पैसे वापस चाहिए सर, मैं ऐसा सर सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, नहीं ये वैसे मेरे को जमा कराने। ठीक बात,